स्टूडेंट स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास 10 कक्षा 10 का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास जिसका भाग 3 हम लोग आज देखेंगे, जिसमें मुख्यतः 4 टॉपिक होंगे आज। पहला टॉपिक है भू संसाधन, दूसरा टॉपिक है हमारा भू उपयोग, और तीसरा टॉपिक है हमारा भारत में भू उपयोग प्रारूप, और चौथा टॉपिक है भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है भू संसाधन। भू मतलब भूमि, तो भूमि किस प्रकार हम लोगों को एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं इसके बारे में समझेंगे। आप कल्पना कीजिए, अगर भूमि नहीं होगा तो आप कहाँ रहेंगे? तो इसलिए भूमि क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इसका उपयोग है। चलिए देखते हैं कि भूमि जो है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो मनुष्य के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत सी उपयोगी आर्थिक क्रियाएं, जो भी हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, या फिर वन संपदा है, वन्य जीव है, ये जितने भी चीज़ है ये सब कहीं ना कहीं भूमि से ही आधारित है। इसीलिए भूमि का जो उपयोग है बहुत ही सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, तभी हम भूमि का सही रूप में संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, भारत का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, इस क्षेत्र में भारत क्या है कि भारत के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक आकृतियां हैं, वो अलग अलग है। कहीं पे द्वीप है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है। अब देखिए, पाई चार्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं कि अगर ये पाई चार्ट है तो इसमें आपका 43% मैदानी क्षेत्र है। तो 43% जो मैदानी क्षेत्र है, ये हमारे लिए कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग के लिए कहीं ना कहीं ये हमें सुविधाजनक जगह प्रदान, भूमि प्रदान करती है। फिर 30% पर्वत है। क्या है? पर्वत। तो पर्वत से हमें क्या मिलता है कि पर्वत हमें 12 मास, यानी हर 12 महीने तक ये नदियों का प्रवाह का जो जल है, इससे हमें पर्वतों से प्राप्त होता है। साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी ये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। एक तो है 12 मासी नदियों के लिए, 12 मासी नदियाँ, और दूसरा है पर्यटन, और तीसरा है पर्यावरण। तो इन तीन क्षेत्रों के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं, ये 27% पर है हम लोग का पठार। तो पठार क्या है कि भारत में पठार का उपयोग खनिज के रूप में, यानी जो पठारी क्षेत्र है वो भारत का बहुत ही बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ पर खनिज संपदा का भंडार है, खनिज जीवाश्म ईंधन एवं वन। तो ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं हमारे खनिज के लिए महत्वपूर्ण है, जीवाश्म ईंधन के लिए जिसमें पेट्रोल, कोयला और गैस आता है, और वन के लिए एक संचित कोष है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भू संसाधन का प्रयोग कहीं ना कहीं मानव के लिए जरूरी है, और ये संसाधन के रूप में देखिए किस प्रकार मानव का सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र जितना 43% है, उसका हम लोगों ने किस में प्रयोग किया, इस क्षेत्र का कृषि में किया, उद्योग में किया। साथ ही साथ 30% जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नदियों का प्रवाह का एक सुविधाजनक क्षेत्र बना, और पर्यटन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो गया, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी हो गया। जबकि 27% में पठार है, उसमें हम लोगों ने देखा कि खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन के संचित कोष के लिए उपलब्ध है। अगला टॉपिक है भू उपयोग। ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, भू उपयोग। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का भू उपयोग। तो देखिए किस तरह
भारत में भूमि का उपयोग हुआ है, तो पहला है इसमें वन के लिए भूमि का उपयोग या दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसमें पहला हम लोग ले लेते हैं, इसमें आता है आपका गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि में हम लोग क्या करते हैं, या तो इमारत बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं या उद्योग लगाते हैं। तो क्या करते हैं, इमारत, सड़क और उद्योग लगाते हैं। और दूसरा है हम लोगों का बंजर भूमि। ठीक है, तीसरे नंबर पे है परती भूमि के अलावा कृषि अनुपलब्ध भूमि। देखिए, परती के अलावा भी कृषि अनुपलब्ध भूमि है, जिसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे गोचर भूमि, जो भूमि गाय भैंस के चरने के लिए है वो गोचर भूमि है। दूसरा है विविध प्रकार के जो वृक्ष लगाते हैं, बागान लगाते हैं, वृक्षरोपण का है। और तीसरा है परती भूमि जहाँ 5 साल से कोई खेती नहीं की गई, 5 साल से खेती ना की गई हो। तो ये था हम लोगों का 1, 2, 3। चौथा हम लोग देखते हैं इसमें परती भूमि। तो परती भूमि भी दो प्रकार है, एक है वर्तमान परती भूमि, एक है वर्तमान परती भूमि और दूसरा है पुरातन परती भूमि। तो वर्तमान परती भूमि में उस भूमि को लेते हैं जहाँ पर 1 साल से कोई खेती ना किया गया हो, जबकि पुरातन भूमि है जहाँ पर 1 साल से लेकर के 5 साल तक कोई खेती ना की गई हो, ऐसे भूमि को हम लोग परती या पुरातन परती भूमि कहते हैं। पांचवा है हम लोग का शुद्ध नीवल, बोया गया कृषि क्षेत्र, वो क्षेत्र जहाँ पर 1 साल में एक से दो बार उससे ज़्यादा खेती की गई हो, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग शुद्ध नीवल बोया गया कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भू उपयोग का जो बंटवारा है अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, जैसे वन के लिए हुआ है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, जो कृषि कार्य में उस भूमि का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो कहाँ किया जा रहा है, एक तो गैर कृषि भूमि है जिसमें इमारत, सड़क और उद्योग, और दूसरा है बंजर भूमि जिसमें कृषि हो ही नहीं रहा, और इसी में तीसरा हम लोगों का है परती भूमि के अलावा कृषि अनुपलब्ध भूमि, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गोचर भूमि जहाँ पर गाय चराने वाली भूमि है, उसके बाद विविध प्रकार के वृक्षरोपण जो बागान वगान लगाते हैं वो भी कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, और तीसरा है परती भूमि यहाँ जहाँ पर 5 साल से कोई खेती ही नहीं की गई हो। चौथे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि परती भूमि भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्तमान परती और दूसरा होता है पुरातन भूमि। तो वर्तमान परती भूमि का मतलब है जहाँ पर 1 साल से कोई खेती ना की गई हो, जबकि पुरातन है जो 1 साल से 5 साल के दौरान कोई खेती ही ना की गई हो। पांचवा नंबर में हम लोग देखें कि शुद्ध नीवल बोया गया कृषि क्षेत्र। तो ये था भूमि का प्रयोग हमारे भारत में। अब हम लोग देखें, ये भू उपयोग था, अगला जो टॉपिक होगा भारत में भू उपयोग का प्रारूप। तो भारत में भू उपयोग का जो प्रारूप है उसमें इस भूमि को निर्धारित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक है, तत्व है, जैसे कि पहला कारक है आपका भौतिक कारक है, तो भौतिक कारक है, और दूसरा है हमारा मानवीय कारक।
तो भौतिक कारक में क्या आ जाएगा? भू आकृति। भू आकृति यानी भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र के जो भूमि का आकृति है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो आकृति भी मायने रखता है। साथ ही साथ भू आकृति के बाद है भू आकृति, उसके बाद है आपका जलवायु, जलवायु और मृदा का प्रकार, मृदा का प्रकार। मानवीय कारक में क्या है कि जनसंख्या घनत्व, कहीं ना कहीं जनसंख्या घनत्व भी भूमि को प्रभावित करती है। जनसंख्या घनत्व प्रभावित करती है, उसके बाद है औद्योगिक क्षमता, औद्योगिक क्षमता, औद्योगिक क्षमता है, फिर संस्कृति है एवं परंपराएं, परंपराएं। तो इस तरह से हमारे भूमि को कहीं ना कहीं भौतिक कारक और मानवीय कारक प्रभावित करती है। भौतिक कारक में हम लोग देख लिए भू आकृति, जलवायु, फिर मृदा का प्रकार। साथ ही साथ मानवीय कारक भी है, जैसे जनसंख्या घनत्व है, औद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं। अब चूंकि देखिए भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है भौगोलिक क्षेत्र? भौगोलिक क्षेत्र तो ये भारत का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इस भौगोलिक क्षेत्र का 93% भाग ही हमारे जो सूचित क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है, बाकी का जो 7% है वो शामिल नहीं किया गया है। तो इस 7% में असम को छोड़ करके, ये जो असम राज्य है उस राज्य को छोड़ के ये जो पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है इसको शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है उसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जो ये 93% है इसी में हम लोग भूमि को शामिल किए हैं। अब बात करते हैं चारगाह। गोचर भूमि भी बहुत कम है, जिस हिसाब से भारत में जानवरों की जनसंख्या है उस हिसाब से गोचर भूमि भी कम है। अब साथ ही साथ आप प्रतिभूमि को भी देख लीजिए, तो प्रतिभूमि जो है उसमें अगर हम लोग सिंचाई के माध्यम से कृषि करते हैं तो 2-3 साल के बाद ही उसमें फसल होगा और उसमें हमारे जो कृषि लागत है वह भी ज़्यादा लगेगा। अगर मान भी लेते हैं कि इस प्रतिभूमि को हम लोग शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में जोड़ भी लेते हैं तो हमारा कुल जो सिंचित क्षेत्र है कृषि का वो मात्र 54% ही होगा। अब देखिए ये जो 54% कृषि क्षेत्र है इसका भी वितरण भारत में असमान है, अलग अलग राज्यों में इसका वितरण असमान है। जैसे पंजाब और हरियाणा, इन दो राज्यों में लगभग 80% भूमि पर कृषि की जाती है, 80% भूमि पर कृषि होता है। जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को ले लें, नॉर्थ ईस्ट को, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार को भी ले ले, तो इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 10% भी कृषि नहीं हो पाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने वन नीति अपनाई है। क्या है? वन नीति। तो वन नीति कब लागू किया गया था? तो 1952 में। तो इस वन नीति के अंतर्गत भारत में 33% जो क्षेत्र है हर राज्य के लिए, उस राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका 33% वन के लिए आरक्षित होगा, यानी वनों के लिए होगा। क्योंकि वन अगर रहेंगे तो उस राज्य में जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहेगा और वन के क्षेत्र में रहने वाले लाखों जो लोग हैं उनके लिए मुख्य रूप से वही आजीविका के साधन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो भूमि है कहीं ना कहीं दो रूपों में बटा हुआ है। एक तो है गैर कृषि क्षेत्र,
और एक है बंजर भूमि, एक है गैर कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र और दूसरा है बंजर भूमि। तो गैर कृषि क्षेत्र में जैसे बस्ती आया, रेल लाइन सड़के और उद्योग। और बंजर भूमि में देखें तो इसमें आ जाएगा मरुस्थलीय भूमि, पहाड़ी भूमि और सूखा क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो भूमि है इन दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। अगर लंबे समय तक हम भूमि का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करते, इसकी उचित प्रबंधन की अवहेलना करते, तो एक समय ऐसा आएगा कि समाज और पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में भू उपयोग का वितरण, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरह से आसानी से बता सकते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का भू निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। पांचवा टॉपिक है हम लोग का भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। तो हम लोग चूंकि भूमि पर ही रहते हैं, सब अपनी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सब भूमि पर ही करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो पूर्वज भी है कहीं ना कहीं वो भी भूमि का प्रयोग करते थे, वर्तमान में हम लोग भी कर रहे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है वो भी भूमि का प्रयोग करेंगे। हमारे जो जीवन का लगभग 95% आवश्यकता है वो भूमि से ही प्राप्त होता है। जैसे जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब भूमि से ही संपादित होता है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों ने कहीं ना कहीं भूमि को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही साथ प्राकृतिक जो ताकतें हैं उसको बल भी दिया है। अब चूंकि भारत में इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है। क्या है? निम्नीकृत है। अब देखिए जो 13 करोड़ भूमि निम्नीकृत है उसको हम लोग पाई चार्ट के माध्यम से देखें तो पता चलेगा कि इसका लगभग 56% जो है ये 56% भाग ये जल द्वारा अपर्दित है और इसका 28% जो भाग है ये वन द्वारा निम्नीकृत। और 6% है वो है क्षारीय एवं लवणीय और इसका 10% है ये है वायु द्वारा अपर्दित भूमि है। तो इस तरह से हम लोग देखें पाई चार्ट के माध्यम से कि हमारे जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत है, जिसमें 56% जल द्वारा अपर्दित है, 28% वन द्वारा अपर्दित है और 6% क्षारीय और लवणीय है और 10% वायु द्वारा अपर्दित है। अब देखिए भूमि का जो उपयोग है इसका अलग अलग तरीका है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अब इस देखिए भारत वाले मैप में हम बता रहे हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जो चारों राज्य हैं यहाँ पर खनन के कारण झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें क्या है वनोन्मूलन हुआ है।
किसके कारण? तो खनन के कारण होता क्या। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि झारखंड में जो झरिया है, झरिया में क्या है कि खनन होने के बाद कंपनियां क्या करती है कि वहाँ पे खनन तो कर लेती है, कोयले का निष्कासन कर लेती है, लेकिन उसको बालू से भरती नहीं है। तो वो क्षेत्र क्या होता है, कहीं ना कहीं वो क्षेत्र खराब हो जाता है, वो हमारे लिए किसी भी उपयोग में नहीं आता है। तो खनन के द्वारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। उसी तरह हम लोग देखें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश, ये जो चार राज्य है कौन कौन सा हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन चार राज्यों में अति पशुचारण, अति पशुचारण, अति पशुचारण के कारण इन चार राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अब आगे देखते हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश, क्या है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन तीन राज्यों में अति सिंचाई, अति सिंचाई। तो अति सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा में वाटर लॉगिंग यानी जलाक्रांत के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ। और इसी अभी हम लोगों ने भूमि निम्नीकरण देखा कि किस तरह से भारत के अनेक राज्यों में इसका समान वितरण है और साथ ही साथ भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, कहीं उद्योगी के माध्यम से हो रहा, कहीं अति पशुचारण के माध्यम से हो रहा, कहीं खनन से हो रहा और कहीं पर वाटर लॉगिंग से हो रहा और कहीं पर अधिक सिंचाई के कारण हो रहा। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं भूमि का डिग्रेशन, निम्नीकरण हो रहा। तो इसके संरक्षण के उपाय अगर हम लोग करें, प्रयास करें, तो कहीं ना कुछ हद तक हम लोग भूमि का जो निम्नीकरण है उसका संरक्षण यानी उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वन लगाना, वनोरोपण। दूसरा है पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण नियंत्रण। तीसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर। चौथा है रेतीले टीलों को, रेतीले टीलों को कटीली झाड़ियों से, कटीली झाड़ियों का प्रयोग, खनन का उचित प्रबंध, औद्योगिक जल निकासी का प्रबंध। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बंजर भूमि का उचित प्रबंध, बंजर भूमि का उचित प्रबंध। तो हम लोग अगर ये सब उपाय करते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि भूमि निम्नीकरण कम होगा। पशुचारण नियंत्रण करते हैं तो उससे भी भूमि का जो डिग्रेशन है वो कम होगा। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, रेतीले टीलों को कटीली झाड़ियाँ लगा करके, और खनन का उचित प्रबंध, और साथ ही साथ औद्योगिक कारखानों से जो जल निकलता है उसको फिल्ट्रेशन करके ही हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, अच्छे से प्रबंधन करेंगे, तो भूमि का कहीं ना कहीं हम लोग डिग्रेशन को रोक सकते हैं, और बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके। तो आज हम लोग ने देखा ये पांच जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मृदा और मृदा के प्रकार। इसी के साथ अगले वीडियो में चैप्टर आपका समाप्त होगा। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।